हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 10th of January 2021। फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं अगर हमारे पिछले कुछ लेटेस्ट वीडियो के बारे में, तो हमने यहां पर 8 डेज पहले बनाया था टॉप 10 ऐसे बैंक जिसमें जो यहां पर बहुत ही ज़्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाई दिखाई दे रहा है। उनसे भी पहले यहाँ पर एक तरीके से निफ्टी का, NSE का जो है टॉप 10 इंडेक्स का यहाँ पर एक तरीके से दमदार शेयर्स के रिटर्न के बारे में एनालिसिस किया। और उनसे भी पहले जी और सोनी का जो मर्जर अनाउंसमेंट हुआ उसके बारे में एनालिसिस किया। और उनसे भी पहले एक लेटेस्ट लिस्टेड IPO है जिसमें जो है यहाँ पर जापान का बहुत ही बड़ा दिग्गज इन्वेस्टमेंट है नमूरा, उन्होंने जो यहाँ पर माल उठाया 20 लाख शेयर्स का। तो फ्रेंड्स, आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा तो कैपिटल गेमिंग चैनल को सर्च करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको मिलते हैं यहाँ पर लेटेस्ट और जेन्यून इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जिससे जो आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और स्टाइल को एनहांस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे आज के लेटेस्ट वीडियो के बारे में। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पता है देखते ही देखते साल 2021 जो यहाँ पर ईयर ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर 2022 की स्टार्टिंग हो चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, 2021 ख़त्म होने के साथ ही यहाँ पर जो है Q3 के फाइनेंशियल ईयर का Q3 ही भी वो ख़त्म हो चुका है। यानी कि फ्रेंड्स, अभी जो बहुत सारी कंपनियों के Q3 के रिजल्ट जो है आने वाले होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों के Q3 के रिजल्ट स्टार्ट हो चुके हैं और उनसे एक यहाँ पर हम एक ऐसी कंपनी के Q3 के रिजल्ट के बारे में एनालिसिस करने वाले कि वहाँ पर किस टाइप की यहाँ पर दिखाई दे रही है यहाँ पर मूवमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर हमारी नॉर्मल स्क्रीन पे और आपको यहाँ पर कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड, जो कि बहुत ही फेमस कंपनी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक तरीके से चलाती है स्टोर डीमार्ट के नाम से वही कंपनी है और आप उसे अच्छे से जानते हैं। FMCG में यहाँ पर एक तरीके से बहुत ही मार्केट लीडर है। यहाँ पर 8th of January 2021 को ये रिजल्ट प्रेजेंट किए गए थे और मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तब फ्रेंड्स यहाँ पर डेट हो रखी है 10th of January, तो फ्रेंड्स आपको उसको भी कंसिडर करके चलना होगा। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं कि ये कॉपी जो है BSE लिमिटेड और NSE इंडिया को सबमिट की गई थी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो अब उसमें हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर हमारी नॉर्मल स्क्रीन पे और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट से क्वार्टर एंडेड 30th December 2021, यानी कि Q3 है फाइनेंशियल ईयर का 2021-22 का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तरीके से बात करते हैं तो किस टाइप के Q2 के रिजल्ट देखने को मिले उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपको फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं इस रिजल्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर किसी भी कंपनी के लिए, तो उसकी मेनली इनकम होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कंपनी जो अपना बिजनेस रन करती है वहाँ से कितनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर Q3 31st December को टोटल रेवेन्यू दिखाई दे रही है 9,217.76 करोड़ रुपीज़ की और अदर इनकम है 25 करोड़ की, यानी कि टोटल इनकम यहाँ पर निकल करके आती है 9,243.72 करोड़ की। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर दिखाई देती थी 7,816 करोड़ की, यानी कि रेवेन्यू में फ्रेंड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया जंप दिखाई दे रही है जो कि आपको टोटली विजिबल है। उसके अलावा फ्रेंड्स फर्दर बात करते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से वो दिखाई दे रही है दूसरी इनकम के बारे में, तो वहाँ पर Q3 30th December 2020 में रेवेन्यू थी 7,587 करोड़ की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करते हैं या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की, उसमें कॉन्टीन्यूसली इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया बात है। फ्रेंड्स, उसके अलावा हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स के बारे में, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। तो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 552.53 करोड़ रुपीज़ का जो कि आपको टोटली विजिबल है। वहीं बात करते हैं पिछले क्वार्टर की, यानी कि प्रीवियस सितंबर क्वार्टर की, तो वहाँ पर 417 करोड़ रुपीज़ का था, यानी कि नेट प्रॉफिट में बढ़िया उछाल दिखाई दे रहा है। अगर सेम क्वार्टर पिछले साल की बात करते हैं यानी कि 30th December 2020 की, तो यहाँ पर 446 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी बढ़िया उछाल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो उसको आपको कंसीडर करना चाहिए। और इसकी इम्पैक्ट मुझे लगता है फ्रेंड्स आने वाले कमिंग फ्यूचर में कंपनी के स्टॉक पे डेफिनेटली देखने को मिलेगी। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं EPS यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में, तो हम देखते हैं बेसिक और डाइल्यूटेड EPS। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बेसिक और डाइल्यूटेड EPS दिखाई दे रहा है 8.53 रुपीज़ और 8.46 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली,
यानी कि बहुत ही बढ़िया डीपीएस दिखाई दे रहा है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर की बात करते हैं तो उसके कंपेरिजन में भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर नेट प्रॉफिट भी बढ़िया दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सेम क्वार्टर पिछले साल की बात करते हैं तो उसके कंपेरिजन में भी बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ओवरऑल जो यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आते हुए दिखाई दिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के। अब हम चलते हैं यहाँ पर उसकी कमेंट्री के बारे में, देखते हैं कि वहाँ पर किस टाइप की यहाँ पर कमेंट्री निकल करके आ रही है। सो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं यहाँ पर उस पीडीएफ कॉपी पे, जिस पे जो यहाँ पर एक तरीके से न्यूज़ प्रेस रिलीज की कमेंट्री निकल करके आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्टैंड अलोन रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पर डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड की बात हो रही है, तो उसमें यहाँ पर 9,065 करोड़ की दिखाई दे रही है और उसमें भी 22% की यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपको टोटली विजिबल है। ऐसी कमेंट्री यहाँ पर प्रेजेंट की गई और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स स्टैंड अलोन है वो यहाँ पर 24.6% यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है एक तरीके से, जो कि आपको टोटली विजिबल है। यहाँ पर ओवरऑल जो है बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है एक तरीके से यहाँ पर उसके क्वार्टरली रिजल्ट, जिसको जो आप डेफिनेटली समझ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस पीडीएफ कॉपी को यहाँ पर एक तरीके से पूरा रीड आउट करना चाहते हैं तो इसको जो बीएससी की वेबसाइट पर सबमिट किया गया है वहाँ से आप इसको जो डाउनलोड कर सकते हैं और इस रिजल्ट को जो यहाँ पर एक तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पीबीआईटी, टोटल रेवेन्यू में कितनी ग्रोथ हुई वो सबको जो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे उसको भी कंपेयर कर सकते हैं और आप यहां पर अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के जरिए कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है आपका नॉलेज में या फिर आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।